और ये बात को मान लेते भाई, न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी है, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा, लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी, जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मत की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा दिसंबर में जाऊंगा, तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे, हमारे लोगों का यूज करके। मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे, जैसे नारायण ने बताया सरकार है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे खींवसर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे हैं। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो सरपंच हो सारे, जब एफएस निकल जाती है टोल इश्यू हो जाते हैं, फिर कौन सी आचार संहिता बताओ मुझे, रुकवा दिए कहां सारे वीडियो इन जेन। कह रहे 10 दिन काम मत करो, छुट्टी पे चले जाओ, कर लो, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। आप सबको इस बात का धन्यवाद कि आपने सबने इकट्ठा होकर 5 घंटे तक यहाँ लगातार बैठे हो। आप 1 बजे से आप लोग आ गए थे, 6:30 बज रही है, 7:30 जाते टाइम आप धीरे धीरे सब लोगों को जाना है, आराम से जाना है। और आपको रात को है सुबह जैसे ही बातचीत होती है, 1 मिनट विराजो हाँ, सब लोग चाय नाश्ते के बाद। अब भिचे उठ उठ रहे, सुनो राय मत दो कोई भी, मांगा जी बीच बात नहीं करनी, ठीक है। थे मैंने बुलाई थी, बस मैं आप ही बातचीत करे और मैं बैठिया जगह था हूं, सब बात कर। वो एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बार पूरी खींवसर की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं तो नहीं आपके, मैं तो एक के साथ फ्री, एक एमएलए आप दे दोगे, एमपी फ्री है साथ के, खींवसर में एमपी फ्री है एमएलए साथ के, इसलिए आपको चीज एमएलए तो आप बना रहे हो, एमपी बना ही रखा आपने। अब आप बताओ कि अपने तो एमपी की लीड 5,000-6,000 की थी, 3,000 बल्ला ले गया, 9,000 मकरणा और डीडवाणा में 20-25 हजार की बढ़त थी, फिर भी उन्होंने कहा कि बजट खींवसर में खर्च कर दियो, खींवसर जीतना जरूरी, मां के बाद मिल रहा। तो कितना था वो चुन लोगों ने रखा। और तमाम राजस्थान चुनाव देखने के लिए आएगा, इस बार पूरा इंडिया आएगा, हरियाणा से आएंगे, यूपी से लोग किसके समर्थन में, आरएलपी के लिए आएंगे। आप सबके दर्शन भी करोगे, सब लोगों से मिलोगे, चौकी आपने हताया करने, चौकी बातें करने, और फोन माते ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग ज्यादा करे, कोई गाड़ी गलौज कर की बात नहीं आए, वो भी विशेष रूप ध्यान अपन रखना, क्योंकि कोई मरता माए पड़ेला वह भी ध्यान रखना है, कोई धमकावे भी बात में ध्यान रखना है। समय समय पर मुझे आप सूचना दोगे, आपको निश्चिंत होकर रहना है, सरपंचों को भी निश्चिंत होकर रहना है, कोई जांच किसी तरह की किसी की नहीं होगी। मैं बैठा हूं जांच के ऊपर बैठ जाऊंगा जाके, बता दिया ना मैंने आपको, आपको क्या करना। तो डराने के, अरे थारी जांच खुलाए जा, अच्छा कहीं जांच खुलाए जो थारी खुद की खुली करती निकले माए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको सबको धन्यवाद, तमाम मेरे भाइयों को, खींवसर के लोगों को, तमाम नागौर के लोगों को, और विशेष रूप से 5 साल 4 साल नारायण मेरे बात एमएलए रहा, और नारायण ने भी हमेशा आपका ध्यान रखा, आपको संभाला, हर शादी ब्याह मौत मरण हर आंदोलन में अगुवाई की। तो और मेरा तो ही धन्यवाद 5-7 बार का। हम दोनों भाई एक हैं, खींवसर की जनता एक है, ये जो मंच पे हम बैठे हैं ना, ये सारे समाज और ये नेता एक, और तमाम आप लोग एक हैं। आपकी भावनाएं समझ के और सब मिलके चुनाव जीते कैसे, इस रणनीति के तहत हम सब लोग मिलके तय करेंगे। और किसी तरह का कोई, आप निश्चिंत रहें, मेरे हिसाब से तो कुछ लगा नहीं, सब आपने मेरे पे छोड़ा है और आपको मुझ पे भरोसा है। पिछली बार भी आपने जैसा कहा
मैंने वही किया, और इस बार आपने ये कहा कि हनुमान जी आप जो फैसला करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं इस बार इन सब लोगों से बात करके, चूंकि इस बार झगड़ा थोड़ा सरकार से और अपनों से, किससे, जो विरोधी हो तो कहाँ चले गए, कहाँ विरोधी मेरे, जो पुराने विरोधी थे तो गीत मारा गया दिन भर, अब तो अपना ही लोग है, समा जाए जाए विरोधी बन रहे, अट उठे बढ़ जाए बढ़ जाए, तो इसका मतलब काम तो किए मैंने, काम किया जब भी, तो अपने लोग कितने बताओ कितने आगे बढ़ गए, नेता बन गए कितने लोग जगह जगह पूरे राजस्थान में। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर धोखो नहीं करता तो मैं एमपी कौन बनता, मैं ही कांग्रेस दिया तो आज पकड़, क्या बात नहीं बन धोखा हूँ मैं एमपी बन गो साहब, था के कहीं फर्क पड़ा है, मैं क्या सही है मारे तो फर्क कहीं, फर्क तो कोरोना में लोग मर गए चार चार पांच पांच एक घरुमा कहीं पड़े जीवता है लोग सब, फर्क इंसान के तो पड़ता ही है। ये मेरी जो 20 साल उम्र गई है जवानी, मैं 20 साल मंत्री रहता मुझे पता 1000-2000 लोगों को करोड़पति बनाता, आपको बनाता कि नहीं बनाता, तो फर्क पड़ा आपके पड़ा मेरे भी पड़ा, लेकिन हजारों लाखों लोगों की जो दुआएं, और हरियाणा यूपी के अंदर जो नारे लगना, तेजाजी महाराज के जयकारे लगना, 5000 मंदिर देश में बने, खरनाल का भी योग आया है, योग आया तो मंदिर भी बन जाएगा, अब योग आ गया योग के साथ मंदिर निर्माण भी होगा, हर बड़ी क्रांति जब आजादी मिलती है तो उसमें क्रांति नई क्रांति की शुरुआत होती है। अभी खरनाल का मेला था, मैं तो बीमार हो गया था, मैं जा नहीं रहा था, सुख जी ने भंवर जी ने मुझे टेलीफोन किए कि थाना आनो पड़ी मेला, मैं कि हो कहीं कर दो माइक फेंके के आनी कौन दान, मैं कि यहाँ थोड़ी वेगा आन कौन, मैं तो एमएलए कोटा को, तो मैं गया और जाके मैंने कहा सब चलो किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, और लाखों लोगों को लेके आ गए, नहीं तो 10-20 लोग मर जाते वहां पे, मरते कि नहीं मरते बताओ मुझे, जना आ लड़ाई कौन टाली, ए दो चार है बेटा, मतलब इस तरह बात, और पछे ऑडियो जगह वायरल हुआ धनखड़ की सभा के माए कि अब गए आपने कर देना काम, अब गया उनको काम करना कि हनुमान को पूरे काम हो जाए, बदनाम हो जाए, अब बताओ किस तरह के, हमने तो कभी जीवन के अंदर ऐसा नहीं किया, मेरा कोई विरोधी है अगर कोई मेरे को वोट देने वाला कहता है कि हनुमान जी आप उसके सीट पर आओ, तो मैंने उनको कहा कभी न मत कहना ये बात, क्योंकि जो सीट भरने वाला विरोधी का आएगा वो कल आप कहीं भी आएगा, इसलिए सरकार को रास्ता मत दिखाओ, पुलिस को रास्ता मत दिखाओ उस इलाके का, तो ये भाइयों इस विचारधारा काम किया, इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो, खींचर की जनता का बारम्बार धन्यवाद, आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद, और आप आज रात को या कल तक हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, आपके मन के अनुरूप ही आप निश्चिंत रहें, जीताऊ टिकाऊ और मजबूत जो चेहरा होगा वही आपके बीच आएगा, और ये आरएलपी और हनुमान बेनीवाल नारायण, ये मेघ सिंह जी, हमारे जितने पून जी, ये सारे जो बैठे हैं, ये आप खींचर के तमाम लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव है। जनरला एक मिनट बैठो, एक मिनट बिराजो पाचा थे पीछे उठ रखे पार पड़ी मेन सड़क दो, सुनो सबको नाश्ता करके चाय पीने के बाद ही जाना है, क्यों हगड़ा नाश्ता में भेड़ा ही कर लेना था नाश्ता, ठीक है मैं भी जयपुर से मैं भूखा आया हूँ, ठीक है, तो आप सबको कहें धन्यवाद है, मांगा जी का है, अच्छा ठीक है, लेकिन सारे लोग नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद जब नाश्ता चालू करो भाई, लाओ बैठे रहो सब लोग, यही करा देंगे बैठे बैठे, नहीं नहीं हो तो बैठे वो तो कर ले, जो बैठे वो लोग कर ले, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींचर विधानसभा क्षेत्र